Next question. If a stone is to hit at a point which is at horizontal distance d away and at a height h above the point from where the stone starts, मतलब d away मतलब x coordinate दिया है आपको, then what is the value of initial speed u if the stone is launched at an angle theta? तो पहले question समझ लो, there is a stone, यहां से आप एक stone को project कर रहे हो और if a stone is to hit a point, इस point पे hit करना है, तो I'll draw this diagram here again to explain you. ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. देयर इज अ पॉइंट समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक स्टोन हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा और इसको हिट करना है इस पॉइंट को, एंड दिस वेलोसिटी इज यू, दिस एंगल इज थीटा, दिस डिस्टेंस इज डी, दिस इज एच, राइट. तो आपको पूछा है ये u जो है इनिशियल स्पीड u ये कितना होना चाहिए फॉर दिस स्टोन टू हिट दैट पॉइंट p, p पॉइंट को हिट करने के लिए व्हाट शुड बी द स्पीड u, कैसे फाइंड करेंगे? इट्स वेरी सिंपल. कैसे करोगे? डू यू रिमेंबर? अब यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट आपको क्या क्या दिया है, आपको x कोऑर्डिनेट दिया है, आपको y कोऑर्डिनेट दिया है, तो यू हैव x एंड यू हैव y, राइट. एंड अगर आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, तो y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. वेरी गुड. तो आपको फाइंड करना है u, राइट. यू आर सपोज टू फाइंड आउट u. पहले तो देखो कि ये जो इक्वेशन है ट्रैजेक्टरी का, यही क्यों यूज किया? क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे अंडर रूट भी दिख रहा है, टैन थीटा या कॉस थीटा भी है. तो व्हाट यू विल डू इज पहले y की जगह पे डालोगे h, x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे d, तो यू विल हैव h इक्वल टू d, दिस इज टैन थीटा माइनस g x मतलब d स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब एक काम करो, ये जो सेकेंड टर्म है राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ, तो जी डी स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू डी टैन थीटा माइनस एच, राइट. तो नाउ हमको चाहिए था यू, हमारा इंटरेस्ट था यू में, तो एक काम करते हैं इस यू स्क्वायर को वहां शिफ्ट कर देते हैं, तो शिफ्ट यू स्क्वायर देयर, और ये जो टर्म है इसको यहाँ नीचे ले आओ, तो जी डी स्क्वायर अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा डी टेन थीटा माइनस एच इक्वल टू यू स्क्वायर. तो यहां से आपको मिल जाएगा यू, तो यू विल हैव यू फ्रॉम हियर, यू इक्वल टू स्क्वायर रूट लोगे तो डी स्क्वायर का रूट डी वो आएगा बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट आएगा कॉस थीटा वो भी आएगा बाहर, राइट. जी टू और बाकी सारा का सारा अंडर रूट में, तो अंडर रूट जी और नीचे टू टू टेन थीटा इंटू डी डी टेन थीटा डी टेन थीटा, तो यहां से आपको मिल जाएगा डी टेन थीटा d tan theta minus h. तो ऐसा आपको कुछ इक्वेशन मिलना चाहिए. तो d by cos theta, d by cos theta, root of g by 2, g by 2, d tan theta minus h, d tan theta minus h, option number b. Next question. It's a simple question. Rank the launch angles for the five parts in the figure below with respect to time of flight from the shortest time of flight to the longest. मतलब आपको यहाँ पे पांच पाथ बताए हैं, पांच प्रोजेक्टाइल मोशन के ट्रैजेक्टरीज बताए हैं,
रैंकिंग करना है. रैंकिंग मतलब पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, 2u sin θ/g. यू कॉन्स्टेंट, जी कॉन्स्टेंट, हमको कैसे पता यू कॉन्स्टेंट लिखा है, सबके लिए 50 मीटर पर सेकेंड. जी की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट ही होती है, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. अब यहाँ पे थोड़ा सा संभल के चलना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन कॉस के केस में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि साइन थीटा, साइन जीरो इज जीरो, साइन 30 इज हाफ, 45 इज 1/√2, देन 60 इज √3/2, एंड देन 90 इज 1. तो थीटा जैसे बढ़ रहा है, साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है. एज थीटा इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 90, साइन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1. तो यहाँ पे साइन के केस में प्रॉब्लम नहीं है, अगर कॉस होता तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस 0 इज 1, कॉस 90 इज 0, तो वो कम होते जाता है. तो एज यू कैन सी, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा. रैंकिंग करने के लिए बोला है, सबसे कम एंगल का सबसे कम टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट, सबसे कम एंगल है 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75. तो ऑप्शन नंबर ए, so this is how you rank it, done, option number A, khatam question. Now shortest to longest bola hai iske liye, longest to shortest bolte to 75 60 45 30 15, option number B, done. So there is no need to write, it's a simple question. Agla question, a fighter plane flying at an altitude of 1.5 किलोमीटर. तो अल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो पहले हम ग्राउंड बता देंगे, दिस इज ग्राउंड, लेट्स शो दिस इज ग्राउंड, ओके, ये ग्राउंड आ गया आपका, दिस इज ग्राउंड, एंड यू हैव अ फाइटर प्लेन विच इज फ्लाइंग एट एन अल्टीट्यूड हियर. तो यहाँ पे अल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे फाइटर प्लेन है, मान लेना हॉरिजॉन्टल है, इवन इट डजंट लुक लाइक इट इज हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल है, इसका हाइट है हाउ मच, 1.5 किलोमीटर, हाइट इज 1.5 किलोमीटर. आगे बोला है इट इज गोइंग विद अ स्पीड ऑफ 790 किलोमीटर पर आवर. तो इसका जो यू है वो यू एक्स है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में देयर इज नो यू वाई, देयर इज ओनली यू एक्स. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हाइट से ग्राउंड पे कुछ देख रहे होते हो आप, उस केस में वाई कंपोनेंट नहीं होता है. 720 किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18, 1 जा एंड 40 जा, तो ये आ गया 200 मीटर पर सेकंड. पक्का ना 200? ओके गुड. देन आगे बोला है आपको, एट व्हाट एंगल ऑफ साइट, एंगल ऑफ साइट जहां से देख रहे हो, when the target is seen with respect to horizontal, should the pilot drop the bomb in order to attack the target? ऐसा है, let's say हमारा जो target है, वो target हमारा somewhere over here, you have a target. तो जो pilot है, as soon as the pilot sees the target, right? Okay. तो वो सोचेगा आप ड्रॉप करना है कि नहीं करना, बिकॉज ही कैन सी द टारगेट. ऐसा नहीं कि दिखते से ड्रॉप कर दिया, वैसे नहीं चलेगा, देखा और ड्रॉप कर दिया, इट मे और मे नॉट हिट द टारगेट देन. तो एट व्हाट एंगल ऑफ साइट व्हेन द टारगेट इज सीन शुड द पायलट ड्रॉप द बॉम्ब, मतलब ऐसा जाके टारगेट को हिट करना है, दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग यू. अब एट व्हाट एंगल ऑफ साइट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, एट व्हाट एंगल ऑफ साइट, एंगल ऑफ साइट मतलब ये है साइट आपका, साइट मतलब व्हेन द पायलट लुक्स एट द टारगेट, है ना, देखते हैं ना हम लोग नीचे, तो पायलट ऑल्सो सीज देयर, मे बी पायलट इज नॉट सीन डायरेक्टली बट देर इज सम, अभी ये तो इट्स लाइक एडवांस सिस्टम, और अपने आप बताता है मशीन टारगेट इज देयर नाउ ड्रॉप, वो तो ठीक है, ओके, बट इमेजिन मैनुअल था तो पायलट लुक्स ओके, सो आई थ्रो नाउ, ओके. तो ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ साइट अल्फा, ये अल्फा है तो ये भी है अल्फा,
गुड राइट। देन ये हाइट है 1.5 किलोमीटर, यहाँ पे है ये अल्फा, ओके okay? और ये हो गया रेंज। अगर आपको अल्फा फाइंड करना है, अगर आपको अल्फा फाइंड करना है तो टैन अल्फा, टैन अल्फा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्योंकि टैन अल्फा का डेफिनेशन है और एडजेसेंट जो है वो है रेंज, राइट। तो टैन अल्फा, टैन ऑफ अल्फा इज अपोजिट हाइट अपॉन एडजेसेंट रेंज, राइट। अब हाइट तो दे ही दिया 1.5 किलोमीटर, मतलब 1500 मीटर, 1500 मीटर आ जाएगी। रेंज, रेंज आप कैसे फाइंड करते हो? U into T, याद होगा U into time of flight, horizontal motion के equation याद रखना, U into time of flight, और horizontal motion में time of flight होता है under root 2h by g, तो h और ये U under root of 2h by g, correct? Okay, तो substitute values and done, you just have to substitute values, तो यहाँ पे values को substitute करो। तो tan alpha is h, h is 1500 meters, u, u is 200 और under root of 2h, h is again 1500 और g की वैल्यू 10 लेना है, सब बोला है। ये दो जीरो, ये दो जीरो गए, ये एक और ये एक भी गया, उसके बाद आपके पास है नीचे 300 का रूट, तो 15 और by 2, 300 का रूट 3 into 100, मतलब 10 रूट 3, ये 10 रूट 3 आ गया, ये आ जाएगा 2 का, ये आ जाएगा 3 का, 3 by 4 is 0.75, 3 by 4 है, 3 by 4 is 0.75, या तो एक काम करो, ये 3 और ऊपर, 3 और नीचे रूट 3, तो ये रूट 3 by 4 आ गया, ज्यादा इजी है, ज्यादा इजी क्यों है, क्योंकि tan alpha is equal to root 3 by 4, रूट थ्री की वैल्यू पता होती है 1.732, 1/4 पता होता है 0.25, राइट 0.25, अगर ये भी नहीं पता तो 0.25 मत लिखो, फिर डायरेक्टली कर दो, डायरेक्टली इस इवन सिंपलर, वन जा ये रफली रफली 4.4 जा 0.4 जा 16, एक और तीन तीन तीन, राइट, वो आगे जो भी आएगा, राइट, जो भी आएगा, आई डोंट केयर, दिया हुआ है 0.43 is tan 23, तो अल्फा आ गया 23 degrees, तो 23 degrees ऑप्शन नंबर ए, राइट, ओके। तो इतना सारा सॉल्व करवा के आखिरी में आपको ये दे के रखा था, पर इसके दो मतलब होते हैं, इसके दो मतलब होते हैं, जरूरी नहीं कि tan अल्फा ही आएगा, है ना, जरूरी नहीं tan अल्फा आएगा, maybe cot alpha हो 1/10, तो इसके लिए भी वैल्यू दे सकते हैं, राइट, गुड। सो वापस रिपीट कर देता हूं एक बार, क्वेश्चन समझ लो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देयर इज अ प्लेन व्हिच इज गोइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, मतलब 200 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया हमने, राइट, एक इसका प्लेन का हाइट है 1.5 किलोमीटर, तो पायलट ने ग्राउंड पे जो टारगेट को हिट करना है, राइट, उसको देखा, तो एट व्हाट एंगल ऑफ साइट, मतलब ये अल्फा कितना बनना चाहिए, क्योंकि देखना मतलब देखना, तो मैं पीछे से भी देख सकता हूँ और आगे जाके भी देख सकता हूँ, सो एट व्हाट एंगल ऑफ साइट शुड द पायलट ड्रॉप द बॉम्ब सो दैट टू हिट द टारगेट, तो एच पता था और ये आएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टारगेट तक जाने तक इट इज रेंज, रेंज इज यू इन टू टी, तो टेन अल्फा अगर आप लोग, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, अल्टरनेट एंगल, राइट, देन टेन अल्फा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एच बाय आर, बट आर इज यू इन टू टी, बट टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इज अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, तो सारे वैल्यूज हैं अभी आपके पास, हाइट भी है, g भी है, u भी है, और 2 तो कॉन्स्टेंट है, सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो, दैट्स इट। Next question, a fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 kilometers
with speed of 720 km per hour passes directly overhead an anti-craft gun at what angle from the vertical important should the gun be fired for the shell with muzzle speed 600 meter per second to hit the plane. तो बोलते हैं ना शिकार का शिकार होना इट्स द सेम केस. तो what happened was there was a plane which was fighter plane of course jet which was flying at a height of 1.5 kilometer and wanted to hit a target जैसे पिछला क्वेश्चन था वो. तो पिछला ही क्वेश्चन है ये सिर्फ यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर दिए. अभी क्या बोल नहीं चेंजेस मतलब पैरामीटर नहीं चेंज किए. पैरामीटर तो वही है हाइट इज स्टिल 1.5 किलोमीटर. ये इनिशियल स्पीड ux इक्वल टू u इज स्टिल 720 मतलब 200 मीटर पर सेकेंड करेक्ट. तो यहाँ पे टारगेट को हिट करना था राइट. लेकिन इस प्लेन के बिल्कुल नीचे एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है राइट. इसने तो थ्रो कर दिया टारगेट गया पर इसने भी राइट. तो यहाँ पे जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है एंटी एयरक्राफ्ट गन ने देखा मेरे ऊपर एक एनिमी प्लेन है अभी ऊपर तो ही विल नॉट थ्रो. और हमने एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया है आर्मी मैन सिर्फ यहाँ पे आर्मी मैन की जगह पे उन्होंने बोल दिया एंटी एयरक्राफ्ट गन. तो ऐसा है जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये प्लेन कवर करेगा उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये जो शेल है इसने कवर करना चाहिए हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल तो करेगा ही ना. दिस गन विल थ्रो द शेल इन अ प्लेन नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन मतलब इन अ प्लेन. इसका मतलब ये होता है कि ये जो शेल का वर्टिकल डिस्टेंस है शेल का वर्टिकल डिस्टेंस में मैं काम करता हूं आई विल से इन शॉर्ट आई विल से वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द शेल मैं इसको डिनोट करता हूं एक्स ऑफ शेल से इट शुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ प्लेन. लेकिन प्लेन के पास वाई कंपोनेंट है ही नहीं प्लेन इज गोइंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली राइट सिंपल. और आपको पूछा है ये एंगल कितना विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. तो एज आई टोल्ड यू अगर शेल को प्लेन को हिट करना है इफ द शेल वॉन्ट्स टू हिट द प्लेन देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय शेल शुड बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ शेल इट शुड बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ प्लेन. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ शेल s equal to ut plus 1/2 at square ut मतलब uxt equal plus 1/2 axt square but ax is zero projectile motion में ax zero होता है equal to इसका तो problem ही नहीं है इसका तो distance into right है ना उतने ही time में तो time cancel right पक्का. तो ux क्या होता है यार u cos थीटा पर यहाँ पे नहीं चलेगा क्यों क्यों नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे x कंपोनेंट आएगा u sin थीटा क्योंकि ये थीटा इधर लिया आपने है ना. तो u sin थीटा विल बी ux तो u sin थीटा विल बी ux तो u sin थीटा एक गड़बड़ होती है वो गड़बड़ क्या है ये u और ये u सेम नहीं है ये शेल का है ये प्लेन का है तो शेल का है और ये प्लेन का है करेक्ट गुड. अब आपको यहाँ पे क्लियर कट बोला है मजल वेलोसिटी ऑफ शेल मजल मतलब वो गन से जैसे बाहर निकलेगा तब वो 600 दिया है 600 दिया है साइन ऑफ थीटा और ये आपके पास है 200 मतलब साइन ऑफ थीटा इज 1/3 तो 1/3 तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3 तो ये एंगल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल ऑप्शन नंबर ए. सिंपल
Next question. Sorry for the clarity here. Doesn't matter, but I'll read out for you. A particle is moving with velocity v, v bar equal to k y I cap plus x j cap. मतलब उन्होंने x कंपोनेंट को y नाम दे दिया और y कंपोनेंट को x नाम दे दिया. Okay, where k is a constant. The general equation for its path is equation of path of this equation of trajectory. निकाला था आपने projectile के लिए y equal to x tan theta minus minus g x square upon 2 u square cos square theta. वैसे ही आपको यहाँ पे ये जो moving object है जिसका velocity आपको दिया हुआ है vector form में, उसका आपको equation निकालना है path का. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल बेस पता होना चाहिए. तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए वेक्टर. जब आप ऐसा लिखते हो, इसका मतलब x कंपोनेंट क्या है और y कंपोनेंट क्या है, गलत. v बार इक्वल टू k y i कैप प्लस k x j कैप. तो x कंपोनेंट इज k y. So x component of velocity is ky and y component is kx. Right? Good. फरक पड़े नहीं पड़े वो बात की बात है, but you should know this is complete answer. मतलब complete component. ये मिल गया. Once you have velocity का x and y component, आगे क्या करेंगे? नहीं मैं, you have to reach to equation of path. How do you reach to equation of path? How if I take derivative of x component and y component of velocity, मुझे मिलेगा acceleration का x और y component. Acceleration का x component it is dvx by dt, right? तो derivative ले लो, तो यह आ जाएगा आपके पास d dt of ky, right? तो k constant बाहर, यह आ गया dy by dt. Okay. इसको मैं ऐसा ही रखता हूं फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग. ओके, आगे आगे क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स यू कैन डू. वैसे ही वाई कंपोनेंट निकाल लो. हम फिलहाल करते जा रहे हैं, वी डोंट नो हाउ टू रीच, तो वी विल फाइंड आउट अ वे टू रीच. ओके, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड्स दिए होते हैं, तो यू हैव टू समहाउ फाइंड आउट अ वे. अब ये एक्सेलरेशन निकाल लिया, ऐसा ही मैं वाई कंपोनेंट ऑफ एक्शन निकालूंगा तो के डी एक्स बाय डीटी मिलेगा, राइट? मैंने इसलिए बोला कि इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली पहले तो इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे फाइंड करते हैं आपको पता नहीं, नंबर वन. नंबर टू, जैसे आप वी का इक्वेशन देखते हो तो ठीक है, एक्स और वाई कंपोनेंट मिल गया, इसके आगे एक ही चीज याद आती है, डेरिवेटिव लो और एक्सेलरेशन निकालो, राइट? नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको अगर याद होगा, आई टोल्ड यू वंस इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को यूज कैसे करना होता है. आपको मैंने ये भी बताया था कि डेरिवेटिव का अपोजिट ऑपरेशन होता है इंटीग्रेशन. आपको मैंने ये भी बताया था, अगर आपके पास x है, मतलब पोजीशन है, उसका डेरिवेटिव आपको देगा वेलोसिटी. अगर आपको डिस्टेंस मतलब पोजिशन पता है तो वेलोसिटी मिल जाएगा. अगर आपको वेलोसिटी पता है और डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये dt को यहां लिखते हो और dx as it is फिर करते हो इंटीग्रेशन, करेक्ट? इतना आपको पता होना चाहिए. अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, मैं ऐसा इसके लिए बता रहा हूं, आपको पूछा है रिलेशन बिटवीन पोजीशंस, x और y का रिलेशन पूछा है, इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब x और y का रिलेशन, और वेलोसिटी दिया है, फिर डेरिवेटिव लोगे तो एक्सेलरेशन है क्या कहीं पे भी? यू कैन डू यू सी एनीवेयर एक्सेलरेशन? नो, मतलब नहीं करना. फिर क्या करना? फिर vx बोला, ओ vx, vx तो x कंपोनेंट है किसका? वेलोसिटी का. लेकिन x कंपोनेंट वेलोसिटी का, वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो ये होता है dx by dt, है ना? डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू वेलोसिटी. डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम हियर will give you x component of velocity, और जो है ky, equation number one. Similarly,
वी इज डी वाई बाय डी टी जो है के एक्स, इक्वेशन नंबर टू। अब अगर आप इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं मिलेगा। क्या करोगे मल्टीप्लाई करके, डी वाई बाय डी टी इंटू डी एक्स बाय डी टी, वी एक्स इंटू वी वाई, क्या मिलेगा वी एक्स इंटू वी वाई, कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो के इंटू के स्क्वायर, कैंसिल नहीं हो रहा, कैंसिल करो, कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन टू को अगर इक्वेशन वन से डिवाइड कर दिया, टू क्या था डी वाई बाय डी टी, और यहाँ पे था डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू, वो था के एक्स और ये है के वाई, के कैंसल, डी टी डी टी कैंसल, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स बाय वाई। अब इस पॉइंट के आगे, इस पॉइंट के आगे आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। अब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम ही बताना, सिंपल, यू नो। पहली बात तो आप ये समझ लो, यहां पे दो वेरिएबल है, एक एक्स है एक वाई है, और डेरिवेटिव है, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव, देखिए ये इक्वेशन है क्या, यस, क्योंकि इक्वेशन इक्वल टू है मतलब इक्वेशन, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव दिखता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएट करना मतलब डेरिवेटिव लेना, तो यहाँ पे डेरिवेटिव है क्या और ये इक्वेशन है क्या, तो इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक मेथड मैं आपको अभी बताऊंगा, बाकी अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें आएगा, हाँ, बहुत सारे मेथड्स है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले बता दिया डेरिवेटिव है, यस, इक्वल टू है, यस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाउ टू आइडेंटिफाई विच मेथड टू यूज, उसमें सबसे इजी मेथड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अगर आप एक वेरिएबल को एक साइड पर रख पा रहे हो, दूसरे को दूसरे साइड पर रख पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब यहां पे मैं वाई को सीधा यहां पे ले जाऊं तो वाई डी वाई हो जाएगा, और अगर मैं एक्स को शिफ्ट कर, डी एक्स को शिफ्ट कर दू तो ये एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म था, क्योंकि यू कैन कीप एक्स ऑन वन साइड एंड वाई ऑन द अदर साइड। कभी कभी ऐसा होता है, होता है, यू कैन हैव डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू वाई, सेपरेट कर ही नहीं सकते हो, कैसे करोगे आप, डी एक्स को वहां ले जाओगे लेकिन फिर भी राइट हैंड साइड पे एक्स और वाई दोनों है, तो सच फॉर्म्स आर नॉट वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहे हो आप यहाँ पे, गुड। और आपके लेवल पे सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही आएगा। तो पहले आइडेंटिफाई करो डिफरेंशियल इक्वेशन, यस, वेरिएबल सेपरेबल, यस, तो वंस यू सेपरेट वेरिएबल देन यू हैव टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इंटीग्रेशन एक साइड पे तो कर नहीं सकते, यस, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, व्हेन यू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन वाई डी वाई, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, एंड द मोमेंट यू इंटीग्रेट एंड इफ यू डोंट हैव लिमिट्स, तो एक कॉन्स्टेंट ऐड होता है। अब आपको पता है y का इंटीग्रेशन होता है y square by 2 plus x का होता, सॉरी x का होता है x square by 2 plus a constant of integration, इसको c बोलो, b बोलो, d बोलो, doesn't matter, it's a constant, right? अब एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 गया, 2 और 2 गया, और ये आ गया 2c, constant into another constant is a constant, 2 constant, c constant, तो ये नया constant, तो y square equal to x square plus constant, ये आ गया आपके पास equation of the motion, है क्या, okay, wait a minute, correct है, steps समझ लो, हमेशा steps समझना बहुत जरूरी है, because mathematics का थोड़ा बहुत तो basics लगेगा, NEET में भी और JEE में भी। नंबर वन, वेलोसिटी आपको दिया है, आपको रिलेशन पूछा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंसेस का, एक्स और वाई, कहीं पे भी ए ए ए दिख रहा है क्या हमको, नहीं, मतलब रिलेशन इज बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, राइट,
और वेलोसिटी होता है डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, राइट। तो आपको वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो वापस से वेलोसिटी का डेरिवेटिव नहीं निकालोगे, क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। हमारे पास इक्वेशन में कहीं पे भी एक्सेलरेशन ना मेंशन है ना पूछा है, क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ पाथ, पाथ का इक्वेशन मतलब वाई और एक्स का रिलेशन, जैसे सर्कल के केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इलिप्स के केस में एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू वन, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो वाई और एक्स का रिलेशन इज इक्वेशन ऑफ पाथ, गुड। अब तो वंस यू नो वेलोसिटी एंड यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ पाथ, देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग डेरिवेटिव एंड फाइंडिंग आउट एक्सेलरेशन। उल्टा उल्टा मतलब वेलोसिटी से नीचे जाना है, डिस्प्लेसमेंट पोजिशन चाहिए, तो व्हाट इज vx dx by dt, लेकिन vx क्या था ky, तो dx by dt is ky, vy is dy by dt which is kx, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपको मिल गया dy by dx equal to x by y, this is variable separable form, so this is variable separable form of differential equation, और आपको for sure guaranteed इसके ऊपर कुछ नहीं आने वाला, तो दे विल नॉट आस्क यू हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स या फिर उसके सॉल्यूशंस, तो ये पता होना चाहिए। एक बार वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं है, इसके लिए प्लस कॉन्स्टेंट और ये टू टू से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यू हैव योर आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शंस विद सेम स्पीड वी, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दिस बुलेट्स विल स्प्रेड। इंटरेस्टिंग, इमेजिन देयर इज समवन हु इज होल्डिंग गन एंड इज फायरिंग बुलेट्स एट द सेम स्पीड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, क्योंकि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन बोला है, यस इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि जो बुलेट फायर किया है, मान लो यहां से फायर किया है, इमेजिन इज फायरिंग फ्रॉम हियर, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, इस डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो डेफिनेटली यहां पे भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, राइट, करेक्ट, एंड डेफिनेटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उतना ही करेगा, यहां पे यहां पे, तो इट विल बी फाउंटेन जैसे दिख रहा है बट इट्स नॉट रियली फाउंटेन, तो ये क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये थ्री डायमेंशनल जो फिगर है वो टू डायमेंशन में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हो रहा है वो, तो अल्टीमेटली वो ग्राउंड पे एक सर्क्यूलर रीजन कवर करेगा with center being the shooter, है ना। तो अब पहले समझ लो, पहले क्वेश्चन समझ लो, keeping shooter at the center हम नहीं रख रहे हैं, वो वैसा हो रहा है, ओके। तो shooter इस direction से, इस point से हर एक direction में same velocity के साथ bullets को fire कर रहा है, maximum distance मतलब basically एक circle बनेगा, है ना, इधर 10 मीटर, पीछे 10 मीटर, बगल में 10 मीटर, वहां 10 मीटर, ऐसा पूरा एक सर्कल बनेगा, राइट। उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, उस सर्कल का रेडियस होगा आर मैक्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, क्यों क्यों, क्योंकि एरिया क्या पूछा है, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम तब होगा जब रेडियस मैक्सिमम होगा, रेडियस क्या है यहाँ पे, रेंज, क्योंकि बुलेट जाके तो ऐसा ही गिरेगा ना, हाँ, तो मैक्सिमम एरिया ए मैक्स इज पाई आर मैक्स स्क्वायर, एक्चुअली यहां पर सीधा से आर मैक्स लिख दिया मैंने, मैंने बोलना चाहिए था पाई रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस स्क्वायर, लेकिन रेडियस इटसेल्फ इज रेंज, तो यह आएगा पाई आर मैक्स स्क्वायर, और आपको ऑलरेडी पता है u square by g, लेकिन u को यहां बोला है v, तो v square by
जी का स्क्वायर मतलब पाई बी रेस टू फोर अपॉन जी स्क्वायर, ऑप्शन बी पाई बी रेस टू फोर अपॉन जी स्क्वायर। सो दैट्स इट फॉर टुडे।